बर्फबारी के बीच हमने गुलमर्ग से विदा ली और श्रीनगर लाल चौक की तरफ चल पड़े। लाल चौक एक व्यस्त इलाका है। यहाँ पर सभी प्रमुख व्यापारिक संस्थान और दुकानें हैं। भीड़ काफ़ी रहती है। सबसे पहले हमने लंच करना था। लाल चौक में एक गुरुद्वारा है जिसके पास सरदार जी की रतन रेस्टोरेंट के नाम से एक दुकान है। वहाँ पर आपको नॉन वेज झटका मिल जाएगा। बाकी सब जगह मुस्लिम होटल में अगर नॉन वेज मिलता है तो वो हलाल होता है। वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं यहाँ पर। खाना बेहद स्वादिष्ट तरीके से बनाया जाता है। मैं जब कभी भी यहाँ आया तो मैं यही खाना खाता हूँ। हमने यहाँ का स्पेशल तवा चिकन, कढ़ाई पनीर और दाल मंगवाई। तवा चिकन का वही स्वाद अब भी बरकरार था जो आज से 20 साल पहले था। हमने खाने का लुत्फ लिया। पूरा पंजाबी स्वाद हमको इस खाने में मिला। खाना खाने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो थोड़ी बारिश हो रही थी। उम्मीद थी कि बारिश जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बादल छट चुके थे। लाल चौक एक खतरनाक इलाका भी है। यहाँ पर ज़्यादातर सैलानी नहीं आते। यह लाल चौक का घंटाघर है। व्यस्त इलाका होने के कारण आतंकवादी ज़्यादातर इसी इलाके पर अपनी कार्रवाई करते हैं। गोली चलना या ग्रेनेड फेंकना यह पहले आम बात हुआ करती थी। यहाँ पर आर्मी की एक स्थायी पोस्ट भी है लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है। घाटी से धीरे धीरे आतंकवाद खत्म हो रहा है। हम लोग शॉपिंग करते हुए आगे बढ़ रहे। ठंड में आइसक्रीम खाने का अपना ही एक अलग मजा है। हमने आइसक्रीम ट्राई की जो अच्छी थी। लाल चौक में गुरुद्वारे के पास ही नीचे की तरफ होलसेल की दुकानें हैं। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट सस्ते रेट में मिल जाता है। वो सामने गुरुद्वारे का गुम्बद नजर आ रहा है। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग एक चौक में पहुंचे। यहां पर से ड्राइवर ने हमें पिक करना था। वही चौक पर एक पान वाले की दुकान थी। मैंने उससे दो मीठे पान पैक करवा लिए। मिठाई की दुकानें
ज़्यादातर वहाँ पर यूपी से आए हुए लोग ही चलाते हैं। मैंने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी पैक करवाईं। कश्मीर में बेकरी का सामान बहुत ही बढ़िया और अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह बेकरी ज़रूर मिल जाएंगी। सुबह हमें पहलगाम के लिए निकलना था। मैंने सुबह के लिए कुछ बेकरी की आइटम पैक करवाई क्योंकि नाश्ता हमें पहलगाम पहुंचकर ही करना था।